हरिद्वार जिले में एक बार फिर शराब के सेवन से हुई ग्रामीणों की मौत के बाद राजनीतिक सियासत भी शुरू हो चुकी है। बता दें, इस घटना पर कांग्रेस भाजपा को दोषी ठहरा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने प्रदेश सरकार पर लापरवाही किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि धर्मनगरी हरिद्वार तीर्थ स्थल है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं और हरिद्वार जिले में जहरीली शराब कैसे उपलब्ध हो रही है जो लोगों की जिंदगियों को उजाड़ रही है। तीर्थ स्थल में जहरीली शराब का आना सरकार की लापरवाही को दर्शाता है। दरअसल लक्सर के पथरी थाना क्षेत्र के गाँव शिवगढ़ उर्फ तेलीवाला फूलगढ़ में कच्ची शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। कच्ची शराब पीने की वजह से 5 ग्रामीणों की मौत शनिवार को हुई है, जबकि 2 ग्रामीणों ने शुक्रवार को दम तोड़ दिया था। हालांकि प्रशासन ने पथरी थाना इंचार्ज और क्षेत्रीय आबकारी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है और घटनाक्रम की जाँच की जा रही है। जिला हरिद्वार जो कि एक तीर्थ नगरी है और पूरे हिंदुस्तान से नहीं दुनिया से यहाँ तीर्थ के लिए लोग आते हैं, इस हरिद्वार जनपद को भारतीय जनता पार्टी ने अवैध शराब की स्थली बना दिया। पिछली सरकार के समय भारतीय जनता पार्टी की 50 लोगों से ज़्यादा की मौत हुई थी। आज यहाँ पर लगभग 7 लोगों की नकली शराब पीने से जान जा चुकी है और भी जाने यहाँ जा सकती हैं। उसी कांड में भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी का चोला ओढ़ती है, धर्म की बात करती है और हरिद्वार जनपद को इन्होंने नशे का अड्डा बनाकर छोड़ दिया, तो भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए और आसपास के ज़िले जो यूपी के लगते हैं वहाँ से या हरियाणा से यहाँ शराब आती है वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने हरिद्वार जनपद को जो कि तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है, इसको भी नशे का अवैध कारोबार का अड्डा बनाकर